भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के बनाए जाने वाले बंगलों के कारण कई पेड़ों की कटाई की खबर सामने आई थी और इस खबर के सामने आने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन भोपाल में चल रहे हैं। राजधानी में पेड़ों की कटाई का विरोध अब तक कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी पेड़ों की कटाई के खिलाफ मैदान में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से मांग की है कि पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। आम आदमी पार्टी ने यहां प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि पेड़ वातावरण के लिए जरूरी और इनकी कटाई तत्काल रोकी जाए। सुनिए इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता हरीश पाठक ने क्या कहा। वैसे ही भोपाल की फिजा बिगड़ते जा रही है, लगातार कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उस प्रस्ताव के विरोध में हस्ताक्षर अभियान कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हस्ताक्षर करके सरकार को बोले कि हम इस कटाई का विरोध करते हैं और सरकार इस कटाई पर तुरंत रोक लगाए। देखिए, पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ नहीं कट पाएंगे। पेड़ों के कटने से पर्यावरण को नुकसान होगा, ऑक्सीजन की वैसे ही कमी है। देखिए, दिन पर दिन गर्मी बढ़ते जा रही है, तो पर्यावरण से सरकार को हम खेलने नहीं देंगे। जिस पर्पज से वो बना रहे हैं, ऑलरेडी जितने भी मंत्री और माननीय हैं सबके पास दो दो बंगले दे सकते हैं, वो इतने बंगले हैं, तो ये पेड़ काटने का कोई उचित नहीं है। जबरन की इस कटाई को हम होने नहीं देंगे, उसके विरोध में हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे।